क्या आप पढ़े लिखे हैं और अच्छी नौकरी चाहते हैं? क्या आप भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं और सिलेक्ट नहीं हो पाते? क्या लाखों रुपया और 3 से 4 साल इन्वेस्ट करके भी आप बेरोजगार हैं? घबराइए मत, मैं कर्नल संजीव सिरोही आपके शहर में इन्हीं सब समस्याओं का समाधान लेके हाजिर हुआ हूँ। मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ, क्या वजह है पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरियाँ नहीं मिलती और नौकरी देने वालों को सही उम्मीदवार नहीं मिलते? नमस्कार, मैं कर्नल संजीत सिरोही आपका हीरोज क्वेस्ट प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है अनएम्प्लॉयबिलिटी टू एम्प्लॉयबिलिटी या बेरोजगारी से रोजगारी तक। सितंबर 2015 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक विज्ञापन निकाला जिसमें चपरासी की जगह खाली थी। उसमें 360 चपरासी भर्ती होने थे और उनके लिए क्वालिफिकेशन थी 5वीं पास और साइकिल चलानी आनी चाहिए। 23 लाख कैंडिडेट्स ने उसके लिए अप्लाई किया। अगर आप 23 लाख कैंडिडेट्स को एक लाइन में अगर खड़ी करें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना किलोमीटर लंबी लाइन होगी। तकरीबन 690 किलोमीटर लंबी लाइन बनती है अगर 23 लाख कैंडिडेट खड़े होते हैं, यानी कि मेरठ से लेके इलाहाबाद तक। ये बहुत हैरानी की बात है, लेकिन इससे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि 23 लाख में से 250 PhD, 25,000 पोस्ट ग्रेजुएट, 1.5 लाख ग्रेजुएट्स, 7.5 लाख हायर सेकेंडरी और 11 लाख 10वीं पास या उसके बराबर वाले थे। बाकी जो थे वो उससे कम थे। नाउ द क्वेश्चन कम्स टू माई माइंड इज, क्या वजह है कि PhDs, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और हायर सेकेंडरी के लोगों को एक चपरासी जिसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ 5वीं पास थी उसमें अप्लाई करने की। जो दूसरा किस्सा मैं आपको बताना चाहता हूँ वो तब का है जब मैं एक इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में था। एक बच्चा जो कि हर सेमेस्टर में तकरीबन 85% मार्क्स लेके आता था, जब वो फाइनल ईयर में पहुंचा, प्रॉपर्टीज और कंपनी आई कैंपस प्लेसमेंट के लिए, तो जब वो उनमें बैठता था तो पास नहीं होता था। वो तकरीबन 5-6 दफ़े बैठा लेकिन वो पास नहीं हुआ। एक दिन उसके फादर के साथ वो आया और उनके फादर ने मुझसे एक सवाल किया कि साहब, हमने 5 से 6 लाख रुपए इसकी पढ़ाई में खर्चे हैं, पढ़ाई में ये बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी इसकी नौकरी क्यों नहीं लगती? उस समय मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। मैंने जैसे तैसे करके उनको समझा के भेज दिया। एंड आई रियलाइज देर इज़ सम फ्लॉ इन दिस एजुकेशन सिस्टम वेयर द स्टूडेंट्स आर गेटिंग एजुकेटेड, दे आर गेटिंग डिग्रीज एंड डिप्लोमाज, बट दे आर नॉट गेटिंग द जॉब। The job market in our country has changed in last 3 decades. And as per one report, every year 50 lakh jobs are added. अगर इतने नौकरियां हैं और इतने पढ़े लिखे हैं तो क्या वजह है कि पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही? सरकार कहती है नौकरी है, पढ़े लिखे जवान जो हैं बहुत हैं लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिल रही। इसका जब अंदाज़ा लगाया गया तो ये पता लगा कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2% लोग हैं जो कि स्किल्ड हैं। इसकी बनस्पित चाइना में 50%, यूनाइटेड किंगडम में 70%, जर्मनी में 74%, जापान में 80% और साउथ कोरिया में 96%। ये वजह है कि हमारे नौजवानों को नौकरियां नहीं मिलती। एक गैप है, एक तरफ एक नौजवान है जो पढ़ा लिखा है लेकिन नौकरी नहीं है, एक तरफ नौकरी है जिसके लिए काबिल नौजवान नहीं है। इस गैप को कैसे दूर किया जाए? इस गैप को दूर सिर्फ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से किया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है? जो नौकरी देने वाले हैं वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के हटके भी देखते हैं। वो कुछ ना कुछ कौशल देखना चाहते हैं बच्चों में, कैंडिडेट्स में, जिनको हम स्किल कहते हैं। आपको एजुकेशन, आपको डिग्री, आपको एक्सपीरियंस आपको इस काबिल बना सकती है कि आप किसी नौकरी के लिए अप्लाई करें। पर अगर आप अच्छी नौकरी चाहते हैं और उस नौकरी में तरक्की करना चाहते हैं तो आपको ये स्किल सीखने पड़ेंगे। कुछ स्किल हैं जो एक नौकरी से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ स्किल हैं जो किसी नौकरी में भी फिट हो जाते हैं। जो किसी भी नौकरी में फिट हो जाते हैं उनको हम सॉफ्ट स्किल कहते हैं या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कहते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपको रोजगार के लिए तैयार करता है। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर योर करियर। आज के जमाने में जब बेरोजगारी का शोर इतना मचता है
तो जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो नौकरी देने वाले हैं, उनके पास बहुत बड़ी चॉइस है। वो उन बच्चों को चॉइस देते हैं, उन कैंडिडेट्स को चॉइस देते हैं जिनके अंदर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो। एक स्टडी के मुताबिक 69% नौकरी देने वाले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को तवज्जो देते हैं बजाय हार्ड स्किल के, और सिर्फ 31% लोग ऐसे हैं जो कि हार्ड स्किल को तवज्जो देते हैं। अब हार्ड स्किल क्या है? हार्ड स्किल है आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी ट्रेनिंग, आपका एक्सपीरियंस, या आपने कोई सर्टिफिकेशन का कोर्स किया हो। अब हम आते हैं कि वो चंद एक चीज़ें क्या हैं जिसके करने से अच्छे पढ़े लिखे नौजवान को अच्छी नौकरी मिल जाती है, और मैं उन पांच चीज़ों को आपको बताता हूं जो आपको समझनी है, और अगर आप वो कर लेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। सबसे पहले, आज के यूथ को कोई पर्पस या गोल नहीं है। एक स्टडी के मुताबिक सिर्फ 20% नौजवान ऐसे हैं पढ़े लिखे जिनका ज़िंदगी में कोई गोल है या पर्पस है। बाकी जो 80% हैं उनका ना कोई गोल है ना कुछ वो करना चाहते हैं। इन्हीं को चार कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहले हैं जिनको हम कहते हैं डिटैच्ड, उनका ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है, ना कोई एक्टिविटी वो करते हैं, ना उनको एक्टिविटी करने की कोई इच्छा है। ये जो है 25% नौजवान ऐसे हैं। 25% नौजवान ऐसे हैं जो सपने देखते हैं, उनके बड़े बड़े इरादे हैं, लेकिन उन इरादों को पूरा करने के लिए ना तो उन्होंने कुछ किया है और ना करने की वो सोच रहे हैं। तीसरी कैटेगरीज में आते हैं डैबलर। डैबलर का मतलब है वो कुछ कर तो रहे हैं लेकिन उसका क्या मकसद है करने का ये उन्हें नहीं पता। कभी एक काम करते हैं, कभी दूसरे काम करने की सोचते हैं, और वो जो है इस चक्कर में ना ये कर पाते हैं ना वो कर पाते हैं। और लास्ट कैटेगरीज है जो कि है पर्पसफुल, जिनका ज़िंदगी का मकसद है, उन्हें पता है उन्हें क्या करना है और उन्हें क्यों करना है। बदकिस्मती से ये सिर्फ 20% नौजवान हैं। दूसरी समस्या है कम्युनिकेशन स्किल्स। चाहे बुरा मानो या भला मानो, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि अब एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे इस इलाके में ये है कि हमारे जो है बच्चे इंग्लिश ठीक तरह नहीं बोल पाते हैं। तो जब वो ग्रुप डिस्कशन के लिए जाते हैं या इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो ही नहीं बता सकते जो उनको पता है, और अगर तुम वो नहीं बता सकते तुमको जो पता है तो फिर उस पता करने का कोई फायदा नहीं है। तीसरी वजह है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग का मतलब ये है जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो क्या पहन के जाते हैं, किस रंग के कपड़े हैं, जूते आपके साफ है कि नहीं, टाई आपने कौन से कलर की पहनी है, टाई ठीक बांधी है कि नहीं, बाल आपके ठीक तरह है कि नहीं, ये सब चीज़ें जो है आपके फर्स्ट इंप्रेशन को क्रिएट करती है। और एक बारी फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है उसके बाद जो है उसको बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चौथी जो प्रॉब्लम है वो है एटीट्यूड की। एटीट्यूड का मतलब आपका रवैया, आप जिंदगी को किस तरीके से देखते हैं। ये देखा गया है कि बहुत पढ़े लिखे, अच्छी अच्छी डिग्रीज और डिप्लोमा लेके वो जो है तरक्की की सीढ़ी में नीचे हैं, और जिनकी इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन भी नहीं है वो उस सीढ़ी में ऊपर हैं, और जो वजह पाई गई है वो एटीट्यूड की पाई गई है। जिस आदमी ने इस चीज़ का एहसास कर लिया कि एटीट्यूड नॉलेज से ऊपर है तो वो जो है सीढ़ी में भी ऊपर है। और आखिरी समस्या है लैक ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, मतलब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में कमी होना। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स होते हैं जैसे डिसीजन मेकिंग स्किल्स, जहाँ पे आपको फैसले लेने हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है उसका समाधान ढूंढना है, टीम वर्क, क्योंकि आज के ज़माने में कोई भी आदमी अकेला काम नहीं कर सकता, उसको टीम में काम करना पड़ेगा, डिपेंडेबिलिटी, आपके ऊपर भरोसा कर सकते कि नहीं कर सकते, रिलायबिलिटी। इस तरह से ये कुछ चंद एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं, अगर इनको हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डेवलप करें तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। आखिर में आपको ये कहना चाहूँगा कि दो चीज़ें हैं, हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स, इन दोनों की वजह से ही आपको अच्छी नौकरी मिलती है। अगर आपके हार्ड स्किल्स अच्छे हैं और सॉफ्ट स्किल नहीं हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। हार्ड स्किल्स आपकी एजुकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन देती है, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स को आपको डेवलप करना पड़ता है, और वो एक दिन में डेवलप नहीं हो सकते, उसके लिए जी आपको टाइम चाहिए, उसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए, उसके लिए आपको कोचिंग चाहिए।